जी गाड़ी के ऊपर भी बंदर आ गया हुआ है। वो तेरी भाग गया ऊपर, ऊपर चढ़ गया। ये इधर इधर ये। कभी ना कभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जी इशा की नमाज हो चुकी है और अभी हम वापस आ रहे हैं होटल की तरफ। और माशाल्लाह नमाज ही देखते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुकर्रम भाई और मुबशर भाई हमारे साथ नहीं है, वो दोनों इकट्ठे होंगे और मैं और जैन भाई हमारा होटल इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह और जैसा कि मेरी ड्यूटी जो है ना वो जमजम आबे जमजम पे है, लेकिन इस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर ठहर के जाके पानी लेके आएंगे इंशाल्लाह। होटल मैंने अपने कैरी बैग में डाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर वहाँ पे हमारा रूम है, ऊपर से जाके ये रोड जहाँ पे आप हम जा रहे हैं ये मैं बताता हूँ कि ऊपर से कैसा दिखता है इंशाल्लाह। अभी नहीं, साथ में ये नीचे टर्नल जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने होटल की छत पे जाके ताइफ मैंने होटल की छत पे जाके नीचे रोड दिखाना था, लेकिन हम ताइफ के लिए निकल आए हैं, इमरजेंसी में निकले थे। हमने आना था जैन भाई का, बशर भाई का हमारा प्रोग्राम था, तो वो अचानक से बना तो हम ताइफ के लिए निकल आए। यहाँ ताइफ में मेरे जो है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था सागा स्पोर्ट्स में काम, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त जिनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, वो शाहद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शाहद भाई अभी ताइफ हम पहुँचे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे अजीज़ भी रहते हैं उनके पास पहुँचे हैं। तो शाहद भाई का मुझे जो है मैसेज व्हाट्सएप पर मिला, यहाँ व्हाट्सएप पर कॉल नहीं होती, मैसेज ही कर सकती हैं। तो ये पूछ रहे थे कि हाँ जी जनाब मैंने आपकी वीडियो देखी है, कहाँ पे आप? मैंने इन्हें बताया कि जनाब मैं ऐसे ऐसे मक्का टावर में रह रहा हूँ ना, मैंने नहीं बताया ताइफ में हूँ। तो ये कह रहे थे यार मैं ताइफ में रह रहा हूँ, तो मुझे अपना लिंक और जो है लोकेशन जो है वो मुझे सेंड करें, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। सही हो गया। मैंने कहा आप ताइफ में कहाँ रह रहे हैं, आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करें। तो जहाँ पर मैं था ताइफ में मैंने लोकेशन, इन्होंने लोकेशन सेंड की है, तो वहाँ से 6-6.5 किलोमीटर का फासला था और 9 मिनट की मुसाफत थी। तो फिर इन्होंने मैंने फिर कहा कि जनाब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हूँ, 9 मिनट लगते हैं। लेकिन नहीं, ये कह रहे थे नहीं नहीं सही बताओ आप कहाँ पे हो क्या हो। खैर जी करते करते फिर मैंने लोकेशन शेयर की है, फिर रात को जैन भाई वहीं रुके हैं, भाई बशर करम भाई वहीं थे और मैं शाहद भाई के पास था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अभी हम ताइफ में घूम रहे हैं और जा रहे हैं भाई बशर के पास, मुकर्रम भाई के पास और जैन भाई के साथ पास इंशाल्लाह। और सुनाए शाहद भाई जी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाए शाहद भाई, मिल के चले जाए फिर। हाँ जी स्टूडेंट साहब, मैं स्कूल वेख्या थोड़ा, स्कूल लग गया था जान के, तुम नहीं जान। वो तो लड़कियों का लगा हुआ है ना। नहीं लड़के बाहर घूम रहे थे स्कूल के, फर्स्ट टाइम लड़कियां होती हैं, सेकंड टाइम लड़के। हाँ। नहीं वैसे लड़के क्या कर रहे थे वहां पे? लड़के पहले पहुंच जाते, कुछ पहले पहुंच जाते, कुछ बाद में पहुंच जाते, अब क्या कह सकता बंदा। अच्छा
इंशाल्लाह मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास जैन भाई की भी वीडियो में देख लिया होगा। ताइफ हम किस लिए आए हैं, यहाँ पे हमारे ब्रदर इन लॉ हैं जो यहाँ पे फौत हुए थे, उनकी कब्र जो है वो यहीं पे है, तो उनकी कब्र पे हम फातिहा के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए आए थे यहाँ पे, हमारा मकसद पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बहाने शाहद भाई से, ये रहे शाहद भाई, इनसे सद्दाम भाई से भी मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकलेंगे वापसी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मक्का वापस जा रहे हैं, रास्ते में ये मार्केट है फ्रूट्स की। और भाई मुबशर किधर गए, भाई मुबशर इधर आए थे, वो मिल गए। अभी वो फ्रूट पूछ रहे हैं रेट्स। हाँ जी, दोनों ले अलग। अच्छा बिस्मिल्लाह। ये कितने का पैकेट है? 5 के मैंने 3 का है, लेकिन वो 10 पे मान गया। आम अभी भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे तो आम होंगे ही, स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह। तरबूज हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह 10 रियाल में 3 पैकेट, 5 रियाल में 1 दार, 13 दार, 10 में 3। पता नहीं महंगे हैं या सस्ते हैं, महंगे ही हैं ना, सस्ते तो नहीं। बिस्मिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह। चाय, कड़क चाय। बिस्मिल्लाह। चाक ठंडा और मीठा भी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी के ऊपर भी बंदर आ गया हुआ है। वो तेरी भाग गया ऊपर, ऊपर चढ़ गया। ये इधर इधर ये दुम दिख रही है, ये वाली दुम। खेचला खेचला और जा, खेचला उन्हें मुनु खेचला। इधर जी बंदर हैं, जैन भाई वीडियो बना रहे हैं, तो उनकी वीडियो में आपको से ये सही क्लियर नजर आएंगे। मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। ये ऊपर गाड़ी के ये बैठो। हेलो, आते का गया मेरे को देखे, आते जाना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज उमरा करने के साथ नसीब फरमाए, तमाम सब्सक्राइबर को अपना खास रहम करने फरमाए, और तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला खुली आंखों से नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ से आबे जमजम मिलेगा। भाई अब क्या बता रहे थे,
ये खालस जमजम है, बिल्कुल खालस जेन्युइन जमजम है। ना इसको ठंडा किया गया है, ना इसको थोड़ा फिल्टर किया गया है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखा वाइट 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 वाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा जो है वो फिल्टर किया होता है तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, ये वाइट वाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशकिस्मती हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, गलती हो गई, वो पानी के प्रेशर के साथ ये वाइट वाइट लग रहा था, लेकिन ये वाइट है नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था कि इसका सफ़ेद रंग है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल साफ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैन भाई की वीडियो में शायद देखा हो, मैं दिखा नहीं पाया, इंशाल्लाह ऊपर से मैं दिखाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है, घर मुबारक, वो पीछे था, अभी वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई है, लेकिन वो बंद है, वहाँ पे जा नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना गाबा जाते तो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते, यहाँ से पीछे से आते और इधर को जाते। इधर जो दरवाज़ा है उसका नाम भी बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा हुआ है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी साइड से आते थे, उनका घर थोड़ा इस साइड पे था, और वो इधर दरवाज़ा, वहाँ से वो एंटर होते थे, तो उसका नाम अली गेट बाबे अली ये रखा हुआ है रज़ी अल्लाह ताला। हम सफ़ा मरवा के बाहर हैं, इधर सफ़ा है, उधर मरवा है, और इसके दरमियान में हमने चक्कर लगाए थे, और इसके भी पोर्शन हैं, वो एक दो और तीन। ये है वो दरवाज़ा, अल नबी ब्रिज गेट, और ये अल नबी गेट, वो भी अल नबी गेट। ये वज़ैन भाई भी बता रहे हैं कि ये गेट है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुआ करते थे खाना काबा में। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। ये सफ़ा की पहाड़ी है, अगर मैं सही हूँ तो, माशाल्लाह। और दूसरी साइड पे मरवा, और ये रास्ता सेपरेट है जहाँ से जनाजा की जाने की तरफ, यानी जनाजा यहाँ से लेके जाया जाता है आगे, मेरे ख्याल से खाना काबा के पास, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, और यहीं से फिर ले जाया जाता होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है।